के लिए आज देश और दुनिया में जो छवि बनी है वो काफी निराशाजनक है, लेकिन इस गौरवशाली राज्य का इतिहास ऐसा कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। शुरुआत करते हैं मिथिला की धरती से, वो मिथिला जहाँ माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी है, जिस वैशाली की पवित्र भूमि पर महावीर का जन्म हुआ, जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया, बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध बने, वो बिहार जो हजारों वर्षों तक विश्व गुरु रहा, जहाँ अजात शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए, जिस धरती से कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग कर जन कल्याण तथा अखंड भारत का निर्माण करने वाले कौटिल्य विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य का गहरा संबंध है। पाटलिपुत्र की धरती पर जन्मे आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखकर दुनिया को वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का बोध कराया। बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने प्रथम सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो बिहार ही है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना समृद्ध कि प्रकृति का दिया सब कुछ है इसके पास, नदी, तालाब, झील, झरने, पहाड़, पठार, जंगल, सब कुछ। जमुई जहाँ से भारत को मिला सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, बिहार जो आज भी भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत तथा अंग संस्कृतियों का मिश्रण है, यह है बिहार। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शेष रह गई हैं बिहार के बारे में बताना, जो आपको जानना चाहिए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बिहार के उन सभी चीज़ों से रूबरू करवाएं जो आपको बिहारी होने पर गौरवान्वित करेगा। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम एक ऐसे सफ़र पर आपको लेकर चलेंगे जो 1000 वर्ष तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को विश्वगुरु बनाकर रखा। नालंदा विश्वविद्यालय के सफ़र पर जो आज बस एक खंडहर है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और होना भी चाहिए क्योंकि जिसकी बात करने जा रहे हैं वो इतना गौरवशाली है जिसका जिक्र हल्के में करना मुझे लगता है कि तौहीन होगी। हालांकि आपके कीमती वक्त को देखते हुए हम संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करेंगे। नालंदा बिहार प्रांत का सबसे गौरवशाली और अति प्राचीन शहर है। संस्कृत के अनुसार नालम ददाति इति नालंदा का अर्थ कमल का फूल है। कमल के फूल के डंठल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दा का अर्थ देना है, अतः जहाँ ज्ञान देने का अंत ना हो उसे नालंदा कहा गया है। इसी वजह से विश्व प्रसिद्ध इस विश्वविद्यालय का नाम नालंदा पड़ा और विश्वविद्यालय की वजह से शहर का नाम नालंदा। 5वीं शताब्दी में हस्ता खेलता यह विश्वविद्यालय बस किसी की जिद्द और जलन मात्र से तबाह हो गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है, जहां 10,000 की संख्या के करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनके लिए इस विश्वविद्यालय में 1500 के करीब आचार्य हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। 9वीं शताब्दी से लेकर इसके विनाश काल 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। 9वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे, जो एक महान शिक्षक और विद्वान थे। विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। पहली परीक्षा विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य मुख्य दरवाजे पर ही ले लेते थे। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी।
इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने एक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। विश्वविद्यालय में 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गाँव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। इस हंसते खेलते विश्वविद्यालय को नजर लगी एक आक्रमणकारी शासक बख्तियार खिलजी की, जिसने इस विशाल भवन को अपने अहंकार से नस्तनाबूद कर दिया। माना जाता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को जलाने की मुख्य वजह जलन और ईर्ष्या थी। नालंदा का इतना समृद्ध होना उसे रास ना आया। माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी भारत के सभी इलाके जीतने में लगा था, तो वो बीच में बीमार पड़ गया। कई वैद्य को बुलाने के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ, तो खिलजी को उस वक्त के नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्रीधर से मिलने को कहा गया, जो वैद्य शिक्षा के ज्ञानी थे। खिलजी ने राहुल श्रीधर को बुलाया, लेकिन उसने राहुल श्रीधर के सामने शर्त रखी कि वो भारतीय विधि से बनाई गई किसी भी दवाई का सेवन नहीं करेगा। खिलजी यहाँ नालंदा और राहुल को चैलेंज कर रहा था, लेकिन राहुल श्रीधर ने भी खिलजी की शर्त मान ली और उन्होंने खिलजी को कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को दिया और कहा, आप इसे पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीधर ने उन्हें कुरान में दवाइयां लगा कर दी थी, जो कुरान के पन्ने पलटने के दौरान उनके त्वचा से स्पर्श होकर उनके शरीर के अंदर चला जाता। ठीक वैसा ही हुआ। पन्ने पलटने वक्त खिलजी के शरीर में दवाई जाने से वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन राहुल और नालंदा का शुक्रिया करने के बजाय खिलजी ने ये प्रण ले लिया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कर रहेगा। इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की मुख्य वजह उसकी जलन और ईर्ष्या थी कि ये लोग कैसे हर क्षेत्र में हमसे आगे हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद खिलजी ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और जहां स्थित 9 मंजिला इमारत का पुस्तकालय, जहां 3 लाख से अधिक किताबें रखी थी, सभी को जलाकर राख कर दिया। जो किताबें महीनों आग की लपटों में आखिरी सांस लेती रही और फिर ऐसे गिरी कि दोबारा उठ ना सकी। कहते हैं कि यहाँ उपनिषदों की ओरिजिनल कॉपी भी रखी हुई थी। यही नहीं, इसके साथ साथ खिलजी ने बिहार में स्थित विक्रमशिला और अंतापुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी परंपरा, इतना सारा मेहनत सिर्फ एक व्यक्ति के जलन के कारण नष्ट हो गया। आज के समय में यह खंडहर काफ़ी प्रसिद्ध है। देश विदेश के कोने कोने से पर्यटक और इतिहास में रुचि रखने वाले सैलानी यहां आते हैं। कुल मिलाकर आज के समय में यह बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण है। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवम्बर 2010 को स्थापित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। बस आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता दें कि फिर आप कब आ रहे हैं नालंदा महाविहार के भ्रमण पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।